वेलकम टू ईशानी वीडियोस। नागिन सीजन 3 का आज के एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे चलिए हम आपको आने वाले एपिसोड की कहानी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको रिमाइंड दे देते हैं कि आने वाले एपिसोड में और आज के एपिसोड में क्या हुआ। सबसे पहले आपको देखने को मिला यहाँ पर बेला और माहिर का वही प्यार। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा सीक्वेंस चालू हुआ जो कि होने वाला था यहाँ पर विशाखा की मौत का ड्रामा और यहाँ पर यज्ञ चालू किया गया। विशाखा को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन करें जब भूत हो कोई तभी तो वापस आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर चालू हुआ सबसे बड़ा खेल सुमित्रा को अपने जाल में फंसाने का। उसी जगह पर वापस बुलाया गया जहाँ पर सुमित्रा ने विशाखा को मारने की कोशिश की थी और वहीं पर नागमणि का लालच देके विशाखा ने उसे अंदर ढकेल दिया और साथ ही साथ यहाँ पर पानी भी भरने लग गई। लेकिन यहाँ पर तरस खा के उस माहिर बीच में पहुंच गया और माहिर को देखते ही विशाखा उससे पहले ही गायब हो गई। उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया वो ये आया कि यहाँ पर बचा लिया गया सुमित्रा को विक्रांत और माहिर द्वारा। और वहीं पर क्या सुमित्रा अब गिल्ट फील कर रही है या फिर नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर माहिर को सबसे बड़ा मोहरा बनाया जाएगा। वहीं आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुमित्रा ने यहां पर एक बार कर लिया है। और चलिए एक बात और, यहां पर सुमित्रा को फिर से फंसाया जाएगा नागमणि का लालच देकर। उसे खबर मिलेगी कि नागमणि कहीं यहां पर हवेली के अंदर छुपाई गई है और वो नागमणि लेने के लिए हवेली के अंदर पहुंचेगी और वहां पर फंस जाएगी यहां पर सबसे बड़े जाल में, जहां पर अब सबसे ज्यादा भीख मांगेगी अपने मौत का कि मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। अपने विक्रांत बेटे से बोलेगी कि मुझे बचा लो, जैसा कि आपने एपिसोड में देखा। और आने वाले एपिसोड में यहां पर मोहरा बन के सामने आएगा माहिर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।